मेरे साथ इफ्रा भी जुड़ गई है, नई पैनलिस्ट। इफ्रा, क्या राम भक्तों को चंदा जी भी कहना सही है? आपका क्या मानना है इफ्रा, बताइए। राम भक्तों को चंदा जी भी कहना बिल्कुल सही नहीं है, जैसे हमारे अन्नदाताओं को पैरासाइट कहना भी सही नहीं है, उनको ये कहना कि ये सुबह भी पैरासाइट तो आपको कहा है, अन्नदाताओं को नहीं कहा इफ्रा, पैरासाइट आपको कहा है जो हर आंदोलन में चले जाते हैं, अन्नदाताओं को नहीं कहा है। पैरासाइट तो फिर भाजपा की पॉलिटिकल पार्टी भी थी ना, जिन्होंने मंडल एजिटेशन से पैरासाइट बनते बनते ही अपना करियर शुरू किया। याद है आपको जब मंडल करियर तो चमक गया ना, करियर तो चमक गया, इसी को कहते हैं आपदा में अवसर ढूंढना। जी बिल्कुल बिल्कुल, मंडल एजिटेशन जब हुआ था, जब भाजपा के लोग सामने आए थे, एक सेकंड, जब मंडल एजिटेशन हुआ था, जब भाजपा के लोग इतना तो सम्मान कर दीजिए किसी का, आपको लगता है आप बड़ा ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ये जो बड़बड़ाते रहते हैं, 90% लोगों को समझ नहीं आता, धन्य होना पाते हैं। परजीवी कौन होते हैं? मुझे हंसी आ रही है। इफ्रा बोलिए आप। जी, परजीवी कौन है? परजीवी वो लोग हैं जिन्होंने हमारे देश के इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था पे जो परजीवी बन के बैठे हैं, जो माइनस जीडीपी पे परजीवी बना के उनको छोड़ा है। परजीवी वो लोग हैं जिन्होंने हमारे देश में रोजगार को खाया है, जो थोड़ा थोड़ा टिक 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 करके खाया है, और यही सरकार आके हम लोगों को परजीवी बोलेगी? इस सरकार को बोलिए, अगर आप रोजगार को छोड़ देते हैं, हमारे देश की इकोनॉमी को सुधार देते हैं, हमारे देश के स्वास्थ्य को सुधार देते हैं, आप कहीं से कुछ नहीं कर पाए। ये वही सरकार है जिसने हमको कहा था कि किसानों की आय दुगनी होगी, हुई या नहीं हुई? ये वही सरकार है जिसने हमको एक टाइम पे कहा था सबके अकाउंट में 15 लाख रुपए जाएंगे और सबके पास 20-20 लाख रुपए, 20 लाख नौकरी आएंगी। क्या कर रहे हुई कि नहीं हुई? ये लाखों को गिनने के चक्कर में दीपक जी, अब बात समझ में आ गई आपके? शर्म नहीं आती है? ये वो लोग हैं जो कि लाखों के चक्कर में पॉलिटिकल बयान दे रही है।